बड़ी खबर आ रही है, योगी सरकार ने अब तक 210 माफियाओं की जब्त की 7.5 अरब की संपत्ति। जी हां, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर लगी हुई है और राज्य में सीएम के निर्देश पर हो रही कार्रवाई में माफियाओं को अब तक अरबों की आर्थिक चोट भी पहुंची जा चुकी है। अगर बात माफिया और गैंगस्टर में पूर्व सांसद और पूर्व विधायक की करें तो अब तक कई माफियाओं के अवैध मकान, मॉल और गेस्ट हाउस गिराया गया है तो किसी से कब्जा की गई करोड़ों की जमीन को मुक्त भी किया गया है। वहीं राज्य सरकार माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए कार्रवाई कर रही है। फिलहाल राज्य सरकार के निर्देश पर जिला और पुलिस प्रशासन की टीम स्थानीय प्राधिकरणों की मदद से माफियाओं, उनके रिश्तेदारों और गुर्गों के नाम की बेगामी संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है और राज्य सरकार अब तक 210 माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। इसके साथ ही राज्य सरकार 766 करोड़ यानी कि 7.5 अरब से अधिक की आर्थिक चोट भी माफियाओं को पहुंचाई है। माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई में प्रयागराज ने अहम भूमिका निभाई। वहीं इलाहाबाद के पुलिस प्रशासन और विकास प्राधिकरण ने अब तक माफिया डॉन और पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम और जिसका नाम है अशरफ समेत कुल 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। यही नहीं, योगी सरकार के आदेश के बाद माफिया की अवैध संपत्ति को ध्वस्तीकरण भी किया गया। राज्य सरकार का दावा है कि इस कार्रवाई में माफिया अतीक अहमद को करीब 300 करोड़ रुपए की आर्थिक चोट पहुंचाई जा चुकी है। इसके साथ ही पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी समेत 104 माफिया और उनके करीबों के खिलाफ कार्रवाई की गई और मकान, जमीन, शस्त्र लाइसेंस समेत 103 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। इसके साथ ही लखनऊ में मुख्तार अंसारी उनके बेटों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को ढा दिया गया और संपत्ति भी कुर्क कर दी गई। यही नहीं, मुख्तार के भाई सांसद अफजाल अंसारी की संपत्ति को भी पुलिस ने अवैध घोषित किया और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्तार के बेहद करीबी हरविंदर उर्फ जुगनू की करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क कर दी गई है। तो ओवरऑल निकाला जाए तो अब योगी सरकार लगातार माफियाओं पर सख्त कार्रवाई कर रही है और लगातार माफियाओं की संपत्ति को गिराया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है और कुर्क भी किया जा रहा है।